ये खबर है पानीपत की। पानीपत में अंसल सुसान सिटी में कपड़ा व्यापारी से चार बदमाशों ने चाकू के बल पर 37,500 रुपए लूट लिए। व्यापारी ने बताया कि एक कर्मचारी को उसके घर छोड़कर अपने घर विकास नगर जा रहा था। गेट नंबर 1 के पास पहुंचा तो चार बदमाशों ने उसे घेर कर वारदात अंजाम दी। इसी बीच एक कार आई तो आरोपी पकड़े जाने के डर से फरार हो गए। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। विकास नगर निवासी चंदन मल्होत्रा ने बताया कि तहसील कैंप में अमरवाड़ी वस्त्र भंडार के नाम से दुकान है। बुधवार को ईद का त्योहार था, जिस वजह से मंगलवार को दुकानदारी बढ़ गई थी और उन्हें दुकान बंद करने में ज्यादा समय लग गया। उनके एक कर्मचारी मोहित के पास घर पहुंचने का साधन नहीं था, जिस पर वह उसे उसके घर छोड़ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चले गए। मोहित को छोड़कर वह घर लौट रहे थे। जब वह अंसल सिटी के गेट नंबर 1 के पास पहुंचे तो एक युवक खड़ा हुआ था। वो युवक के पास से गुजरने लगा तो युवक ने उसे धक्का दे दिया और वह असंतुलित होकर गिर गया। गिरते ही झाड़ियों से आरोपी के अलावा 3 युवक और आए, जिन्होंने चाकू के बल पर पहले मारपीट की और उसके बाद जेब से 37,500 रुपए निकाल लिए। इसी बीच एक कार की लाइट आरोपियों पर पड़ी तो पकड़े जाने के डर वह फरार हो गए। उसकी स्कूटी और मोबाइल बच गया, जिसके बाद उसने 112 नंबर पर कॉल किया। पीड़ित ने चंदर ने बताया कि 112 नंबर पर कॉल करते ही गाड़ी 15 मिनट पर मौके पर पहुंची। गाड़ी में बैठकर उसने आरोपियों की तलाश की, लेकिन पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। चंदर की शिकायत पर अज्ञात चार बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।